हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर फोर्टी टू ए फोर क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए एट्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम केमिकल रिएक्शन रेडिक्वेशन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड जो है उसका हम रिविजन करेंगे सो so, वक् शो करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए क्या दिया गया है इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चले यानी क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे तो फर्स्ट चेंज इन स्टेट यानी उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा चेंज इन कलर है चेंज इन स्मेल है और चेंज इन टेम्परेचर है यानी उसके स्मेल में कलर में स्टेट में और टेम्परेचर में चेंज होता है तो यानी वो क्या है एक केमिकल रिएक्शन है अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स जो है आपस में कंबाइन करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट बनता है नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज का मतलब क्या होता है टूटना जिसमें एक रिएक्टेंट जो है टू और मोर प्रोडक्ट में टूट जाएगा थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस में क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो जो है लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी उसकी पोजिशन से डिस्प्लेस कर देगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन में क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वो रिडक्शन हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिए एसिड्स एसिड्स क्या हैं सबस्टांसिस विच आर शोर इन टेस्ट जो कि टेस्ट में कैसे हैं खट्टे हैं टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और जो ब्लू लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं और रेड कर देते हैं बेसिक सब्सटांसिस विच आर बिटर इन टेस्ट जो टेस्ट में कैसे हैं बिटर हैं एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और जो है लिटमस पेपर को रेड से किस में कर देते हैं ब्लू में कर देते हैं नेक्स्ट देखिए सॉल्टस कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्ट कब बनेंगे एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट्स बनता है ठीक है और ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड विद बेसिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन नाउ इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एन को क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा सी ए सी एल टू बेकिंग सोडा एन एच सी ओ थ्री वॉसिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस है सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन इज तो जो गिवन केमिकल रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है वो बताना है आपको तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट है नेक्स्ट देखिए Fe प्लस सी यू एस ओ फोर गिव्स आउट एफ एस ओ फोर प्लस सी यू तो यहाँ पे एफ ई हाईली रिएक्टिव है इसने सी यू को क्या कर दिया डिसप्लेस कर दिया एंड दिस इज अग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन है डीकम्पोजिशन है डिसमेंट है डबल डिसप्लेसमेंट है यहाँ पर एक ही आयन का डिसप्लेसमेंट हो रहा है तो ये एक सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है सो so, क्या हो जाएगा ओनली डिसप्लेसमेंट नेक्स्ट है सी ए ओ प्लस सी ओ टू गिव्स आउट सी ए सी ओ थ्री तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है ये एक रिएक्शन क्या है टू और मोर प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है गिव रीजन वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में क्या हो जाता है ग्रे हो जाता है क्यों ठीक है तो जो है यहाँ से आप आंसर करेंगे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इट टर्न्स ग्रे तो सिल्वर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ये ग्रे बन जाता है दैट इज़ ए जी सी एल ए जी प्लस सी एल टू ये रिएक्शन हो जाएगी इसको आप बैलेंस कर सकते हो ए जी सी एल है ना इसको क्या बनेगा ए जी प्लस सी एल टू और यहाँ पे इसको आप क्या कर दोगे बैलेंस कर दोगे ऐसे ठीक है ए जी प्लस सी एल टू तो ये देखिए सिल्वर क्लोराइड वो किस में जो है टर्न हो गया वो सिल्वर कलर में जो है क्या हो जाएगा ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सिल्वर बन जाता है तो ये रिएक्शन आप इसमें लिख देंगे नेक्स्ट देखिए हीटिंग, हीटिंग एट इन इनटू ब्लैक कलर सब्सटेंस तो ब्राउन कलर जो कॉपर पाउडर है जब उसको हीट करते हैं ब्राउन कलर कॉपर पाउडर को हीट करते हैं एयर में तो वो ब्लैक कलर सब्सटेंस बन जाता है तो इसमें भी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका सो ब्राउन कलर कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर गेट ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका और वो क्या बन जाता है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का सब होता है ठीक है तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी का नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव है कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स इन द गिवन रिएक्शन तो इसमें आपको बताना है एक्स क्या है तो देखिए लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोराइड है तो लेड आयोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट तो यहाँ पे जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा टू लग जाएगा दो ही तो आयोडीन हो जाएंगे दो ही जो है क्या है पोटेशियम है तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा एन एच एन एच एन एच सी ओ थ्री एन एच सी ओ थ्री टेन एच टू और एन ए टू सी ओ थ्री तो फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा हो जाएगा एन ए एच सी ओ थ्री बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हाउ इज़ इट ऑबटेंड फ्रॉम जिप्सम पीओपी क्या है और ये जिप्सम से कैसे मिलती है तो प्लास्टर ऑफ पैरिस सी एस ओ फोर हाफ़ एच टू क्या है पीओपी ये बच्चों सी एस ओ फोर हाफ एच टू इसका सी ए एस ओ फोर हाफ एच टू क्या होता है पीओपी का फॉर्मूला होता है और ये कैसे बनती है जब हम जिप्सम को थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पे हम इसको हीट करते हैं तो पी, पी हमें मिलता है तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है सी ए एस ओ फोर टू एच टू ठीक है इसको जब थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पे हीट किया जाता है तो हमें मिलेगा सी ए एस ओ फोर हाफ एच टू ओ क्लियर है प्लस वन एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो ये इसके अंदर क्या होती है रिएक्शन होती है पी, पी की ठीक है तो ये वाली रिएक्शन और ये कंप्लीट आपको इसमें लिख देना है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है ऑन पासिंग सी ओ टू थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ सी ओ टू द डैश कलर डैश ठीक है तो ऑन पासिंग सी ओ टू थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इट टर्न्स मिल्की किस में हो जाता है मिल्की हो जाता है एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ सी ओ टू द मिल्की कलर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द मिल्की कलर कलर डिसअपियर ठीक है जब उसके अंदर से और ज़्यादा हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल्की कलर जो है क्या हो जाएगा मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा ठीक है मिल्की कलर मिल्की कलर गेट डिसअपियर ठीक है उसके बाद देखिए बी दिया गया है राइट इट्स केमिकल इक्वेशन तो आपको इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले क्या होता है सी ए ओ एच ट्वाइस इसमें प्लस वाटर होता है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं क्लियर तो ये क्या बन जाता है ये जो है देखिए पहले तो यहाँ पे क्या होगा सी ए ओ एच टू होल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेग लाइन इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है क्लियर तो ये क्या बनता है सी ए सी ओ थ्री प्लस वाटर अब इसमें जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है सी ए सी ओ थ्री प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तक जाएगी तो सी ए एच सी ओ थ्री होल्ड वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है तो ये सारी रिएक्शंस दोनों की दोनों रिएक्शन आपको इसमें लिख देनी है सो so, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय